तुम्हारी मम्मी हाउसवाइफ है। फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा मेरी मम्मी हाउसवाइफ नहीं है, पापा की वाइफ है। क्या? और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है संडे और 7 तारीख और आज है परी का 11th month बर्थडे। तो परी आज 11 महीने की हो गई पूरी। परी हैप्पी बर्थडे। और देखिए परी को नहला दिया है बट सो नहीं रही मैडम जी, और मस्त तैयार कर दिया मैंने। और अभी मुझे नहाने जाना है, अभी बजे 11, मैं अभी तक नहाया नहीं, सब काम वगैरह हो गए, सब हो गए, पानी गर्म करने रखा है क्योंकि अभी ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, अभी ठंडी लगती है, आज बारिश भी आई थी हमारे यहाँ पे। तो अभी मैं नहाने जाती हूँ, परी को रात थोड़ा सुलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि सोने की उम्र में आई है लेकिन सो नहीं रही है, झूले में उल्टी हो रही है। दो पैदल नहीं खुला, कितनी जल्दी बड़े हो जाते ना बच्चे, मतलब मुझे लग रहा है अभी परी हुई थी, अभी मैं उसको घर लेकर आई थी, ऐसे याद आ रही थी। और अभी ऐसा लग रहा है जब से वो पर्स मैंने उसको वो नया ड्रेस पहना तब से वो इतनी बड़ी लगने लगी ना मुझे उसमें, तब से मैं बोल रही परी कितनी बड़ी होती जा रही है जल्दी जल्दी। हाँ बोलो हो ना बाबू, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे होना चाहिए, बचपन में जाना चाहिए बच्चों का। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर के बाद परी को सुला देती हूँ, पहले राज सुला लेंगे और फिर उसके बाद। तो गाइस यहाँ पे मैंने परी का खाना सुखाने के लिए रखा है, वॉश करके फैन के नीचे मैं सुखाती हूँ। एक्चुअली धूप में भी डाल सकते हैं बट क्या है ना, बाहर के वो जो बर्ड्स वगैरह आते हैं तो चोच चोच मारेंगे, तो उससे अच्छा मैं फैन के नीचे सुखाती हूँ। अगर 2 घंटे भी अच्छे से सुखाए ना तो मस्त सूख जाते हैं। ये देखिए इसमें मैं जीरा डालना भूल गई, अभी जीरा भी मैं डालती हूँ, मुझे याद ही नहीं था। जीरा ना मैं अलग से धोती हूँ क्योंकि वो ना अगर बड़े छलने में वो धोया ना तो फिर वो पूरा नीचे गिर जाता है, तो मैं चाय के छलने में उसको धोती हूँ इस वजह से। तो ये भी ना आधा सूख गया है क्योंकि इसको मैंने 1-1.5 घंटे से रखा है, मैं उठी ना सुबह तभी मैंने वॉश करके रखा, तो अभी और थोड़ा टाइम सुखाना पड़ेगा, तुरंत नहीं होगा, थोड़ा टाइम के बाद फिर निकाल। तो अभी बज चुके 11:30 और परी मैडम सोई है। मैंने बनाई थी खिचड़ी आज क्योंकि ना क्या बनाओ सोचता ही नहीं है, मैंने सुबह से राज को पूछ रही थी क्या बनाओ क्या बनाओ, मैं बोलती कुछ भी बनाओ कुछ भी बनाओ, मैं बोलती थी आई हेट कुछ भी बनाओ वर्ड, कुछ भी बनाओ वर्ड को मुझे बहुत नफरत है क्योंकि जो भी हो जाता है कुछ कभी भी पूछो क्या बनाओ यार, कुछ भी बनाओ कुछ भी बनाओ, क्या कुछ ये कुछ भी कहाँ मिलता है बताओ यार। सच में यार खाना बनाना का ना सब, खाना बनाने के लिए जितना टाइम नहीं लगता ना उतना टाइम लगता है, खाना क्या बनाना ये सोचने के लिए बहुत हार्ड रहता है, रोज क्या बनाए यार। सच में लेडीज के लिए सबसे डिफिकल्ट काम मैं बोल रही हूँ ना कौन सा होगा, तो होगा खाना क्या बनाए ये सोचना, खाना बनाना नहीं बाकी कोई भी काम नहीं बट खाना क्या बनाए ये सोचना, इतना गुस्सा आता है ना। मैंने पता आज को इतनी बार पूछा ना आज क्या बनाओ कुछ भी बनाओ कुछ भी, मैं बोलती थी यार क्या करूँ मैं कुछ भी नहीं मिलता, फिर मुझे कुछ सोच नहीं रहा था, मैंने बोला मैं खिचड़ी बना रही हूँ, खाने हो तो खाओ नहीं तो मत खाओ, मैंने हाँ खा लूंगा मैं खिचड़ी बनाऊ चलेगा, इसलिए खिचड़ी बनाई। और आज अभी जाने वाले नीचे बोल रहे थे कि छोटी सी पेस्ट्री लाता हूँ, अभी हमारे आके ना केक की शॉप वगैरह ओपन हो गए तो पेस्ट्री लाऊंगा मैं, इसलिए घर में बनाने की मेहनत नहीं करूंगी, लास्ट टाइम पता है क्या हुआ था लास्ट मंथ, तो इसलिए घर में नहीं बनाऊंगी। तो राज पेस्ट्री लेकर आएंगे छोटा केक, इसीलिए नहीं क्योंकि एक केक ना हम दोनों से खत्म नहीं होता, राज बिल्कुल नहीं खाते, मैं अकेले खाती हूँ, राज को ना मीठा ज्यादा पसंद नहीं बस वो थोड़ा सा खाते, तो फिर उतना खाऊंगी कैसे ना मैं, और अभी फ्रिज भी नहीं तो रख भी नहीं सकती, तो इसलिए मैंने बोला छोटी सी पेस्ट्री लाना। और क्या लाना है, खारी लानी, खारी खत्म हुई, दूध लाना है और क्या और कुछ याद नहीं, तो जाने वाले बट अभी नहीं थोड़ी देर के बाद बोल रहे थे कि मैं थोड़ी देर के बाद जाऊंगा, केक का शॉप थोड़ी देर के बाद ओपन होगा नहीं इस वजह से। तो राज जाएंगे नीचे और परी अभी सोई है, अभी मुझे क्या करना है थोड़ा सा काम करना है, और ना मेरे ये जो है ना किचन की बालकनी, तो वहां पे मैंने स्टार्टिंग में जब आए थे तब मैंने पर्दे लगाए थे बट वो ना चिपकाए थे ना वो जो स्टैंड रहते क्या उसे उसको खिले ठोके नहीं थे चिपकाए थे ना वो, तो इस वजह से वो ना निकल गए थे, तो इसलिए मैंने अभी जो मेरे पास एक सिंगल एक पर्दा पड़ा था तो वो लगा के सोचा, तो मैंने फेविकॉल से चिपकाया वो चिपकाने वाला, उससे भी नहीं रहा, फेविक्विक से चिपकाया उससे भी नहीं रहा,
अच्छी गटपट्टी से चिपका के देखा कि एटलीस्ट एक पर्दा रह जाए, क्योंकि ना मुझे पूरा ओपन ऐसा अच्छा नहीं लगता है। हम फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं और थर्ड फ्लोर पे जो रहते हैं ना उनके विंडो से एकदम पूरा हमारा किचन ऐसा सामने दिख जाता है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। और वहाँ पे ऐसे जेंट्स वगैरह भी ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो इसलिए मुझे पर्दा लगाना था, बट वो ना कोई फिक्स ही नहीं हो रहा है। और वहाँ पे ना ऐसे दीवार नहीं है कि जैसे खिला ठोक जाए या कुछ ठोके हो जाता, तो ऐसा भी नहीं कुछ, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। बट देखते हो अभी जो भी कैसे मैनेज हो पाया, तो मैं लगाऊंगी नहीं हुआ, देखो जो चल रहा है वैसे चल रहा है और क्या। और बरी का खाना मैंने सुबह भिगो के रखा था, सॉरी धो के सुखाने के लिए रखा था, तो अभी थोड़ा सूख गया ना, तो उसको मुझे रोस्ट करके फिर उसका ये करना है, पाउडर करना है। और परी अभी सोई है, परी को कल शायद हम लेकर जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, बट कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी बारिश के ऊपर डिपेंड ना, बारिश आज हो गई थी 9-10 बजे के आसपास, तो कल अगर हुई उस टाइम पे तो फिर नहीं निकाल सकते ना परी को बाहर, तो इस वजह से देखते। और मेहंदी अभी जाने लगी क्योंकि काम कितना घर में करना पड़ता है लेडीज को, सच में यार कितना काम करो, तो उस चक्कर में निकल गया। यहाँ पे ना मैंने नाम लिखा था, अब कैसे दिखाऊं, राज प्लस रानी इक्वल्स परी, ऐसे दिखा था, देखिए दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये फर्स्ट राज है फिर प्लस रानी और इक्वल्स परी, ऐसे लिखा था, तो इतना दिख नहीं रहा साफ से, तो बस वही। और हाँ ये जो मैंने वट पूर्णिमा को पूजा की थी ना, उस टाइम मैंने परी को नेल पेंट लगवाए थे पैरों में, और मुझे ना उसको मेहंदी भी निकालनी थी बट नहीं हुआ। और आज ना मुझे क्वेश्चन परी के रिलेटेड जो मुझे क्वेश्चन आते हैं ना वो सब निकाल के लिख कर रखने हैं, और उसका वीडियो शूट करना है आने वाले 1-2 दिन में। और सारे क्वेश्चन आज लिख कर रखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो लिख कर रखे तो कैसे फटाफट फिर हम क्या बोलते ये कर सकते हैं ना, ऐसे याद करने में या ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, तो आज ढूंढ कर लिख कर रखती हूँ सारे क्वेश्चन जो भी आ रहे। अगर आपको और भी पूछना होगा तो ये वीडियो से पहले अगर मैंने शूट नहीं किया होगा तो आपके क्वेश्चन का भी आंसर मैं कर दूंगी उसमें, तो बस वही। और आज का दिन पता नहीं कैसे जाएगा, तो देखते। अभी तो धूप पड़ी हमारे यहाँ पे, मतलब बारिश नहीं धूप है, और बोल रहे कि 8 तारीख से मुंबई में सब दुकान वगैरह ओपन होंगे, तो देखते क्या ओपन हुआ क्या नहीं। अभी यार कंटाला आ गया लॉकडाउन में रह रहे के, सच में इतना कंटाला आया ना, कुछ कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे तो ऐसा हो रहा है ना, ये साल कब खत्म होगा, 2020 इतना खराब साल है ना, सच में लाइफ में कभी लगा नहीं था इतना खराब साल आएगा। मतलब जनवरी से बस यही चल रहा है, कितना 31 दिसंबर को फर्स्ट टाइम ये कोरोना वायरस सुना, उसके बाद आज तक बस कोरोना 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 सुन सुन के ना थक गई हूँ मैं। मुझे तो अभी ये हो रहा है कोरोना कब जाएगा, उससे ज्यादा मुझे ये हुआ है कि ये साल कब जाएगा 2020, ये खत्म हो जाएगा इसके साथ कोरोना वोरोना सब सारी जो भी गंदगी ना सारी खत्म हो जाएगी, और नया साल नया कुछ लेकर आएगा, ऐसा होगा कि कब खत्म हो जाएगा। तो बस वही बहुत बातें कर ली, और मुझे ना वो पर्दा लगाने के लिए कुछ जुगाड़ करना है, तो देखती हूँ मुझे आज अगर टाइम मिला ना तो आज कुछ ना कुछ दिमाग का दही करके आज मैं वो पर्दे का काम करती हूँ, क्योंकि पर्दा मैंने आज सुबह ऊपर से कल रात को ही ऊपर से निकाला। मैंने ना सारे जो मेरे पास एक्स्ट्रा के ब्लैंकेट वगैरह थे ना वो सब ऊपर मैंने वो लगेज में रखे, तो उसमें मैंने वो पर्दा भी रख दिया था, तो पर्दा फिर कल रात को निकाला क्योंकि एक्स्ट्रा का रात को एक ब्लैंकेट चाहिए था, तो इसलिए वो हमने बैग निकाली थी उसमें से, फिर वो भी निकाला मैंने पर्दा। और कुछ भी बहुत बातें कर ली, तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के, और आपको ना मैं परी को दिखाती हूँ। मैंने आपसे जब बात करनी होती है ना तो फोन फैन चार पे कर देती हूँ ताकि आवाज ना हो, और बात हो गई कि फिर 5 पे करके जाती, तो वो सुखाने के लिए रखा है ना मैंने इसीलिए। और परी मैडम सोई, बारह बज रहे। हमारे यहाँ पे ना दिन भर विघ्न हत्या चलता रहता है यार, मुझे लगता है मैंने किसी भक्त से शादी की है, यार दिन भर बस अगर रात को बस मौका मिला ना मैं नहीं देख रही थी कि वो बस विघ्न हत्या, मतलब कोई ना कोई भगवान की सीरियल लगा के रखते हैं। मुझे तो ना मतलब पसंद मुझे देखना, बट इतनी ज्यादा आदत नहीं कि वो कंटिन्यू दिन भर देखा रात वही करते, अभी भी वही चल रही है। और 12 बज गए, मुझे लगा 11:30 बजे, बट 12 बज गए, तो चलिए मैं अभी थोड़ा बहुत काम करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
खाई और परी का मैंने जस्ट अभी भी फोटोशूट किया, मानसून फोटोशूट, तो बहुत अच्छे फोटोज आए। लेकिन क्या है ना, परी ना हिलती रहती है, मतलब उसको संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जो बारिश की बूंदे बनाए थे मैंने पेपर के, परी उसको खाने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे वैसे मैं थोड़े बहुत फोटोज खींचे और कुछ वीडियोज बनाए, बहुत अच्छे से तो नहीं हुआ बट मतलब काफी अच्छे हद तक अच्छे से हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है फोटोशूट कराना परी का, तो कुछ ना कुछ मैं ट्राई करती हूँ। तो अचानक से मुझे ये आया, कह रहे हाँ बारिश हो रही है तो मैं बारिश वाला करूँ कुछ, तो फिर ऐसे दिमाग में आया और मैंने किया, तो ठीक ठाक बना है। जैसे मैं आपको उसके फोटो स्टार्टिंग में दिखा दूंगी और वीडियो जिसके आगे डालती हूँ तो आप लोग देखना। और मैंने टिकटॉक पे भी एक वीडियो डाला है, अभी तक एक ही डाला है और बाकी के बाद में डालूंगी, जो सब भी अपलोड किया। और अभी मैं कम्युनिटी में भी एक फोटो ऐड कर, पर कम्युनिटी में भी अगर मुझे टाइम मिला ना तो एक फोटो डालती हूँ। और राज गए अभी नीचे पेस्टल आने के लिए परी के लिए, बट ना वो बोल रहे थे अभी उनका फोन आया था कि कुछ भी मिल नहीं रहा, सब दुकान बंद है, तो शायद नहीं मिलेगी। फिर पता नहीं अभी क्या हो, लास्ट टाइम मैंने केक बनाया था लेकिन आपको पता ही उसका क्या हो गया था, इस बार का पता नहीं अभी क्या होगा। तो नहीं मिला तो फिर नहीं कट कर सकते, और मैं बनाने की रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ इस बार, लेकिन देखते क्या होगा पता नहीं। और वो बोल रहे कि नहीं मिल रहे तो आइडिया नहीं कुछ, तो देखते क्या होता है। मैंने बोला ठीक है एक बार नहीं काटेंगे और क्या होगा, राज बोलते नहीं काटते ठंड लगता है, तो देखते नहीं तो फिर कल परी को हम वैक्सीनेशन के लिए लेके जाएंगे ना, तो वहाँ से आ गए थे वहाँ मिल गए तो फिर कल कट करेंगे। चले वैसे भी परी 4 बजे के बाद भी, तो उसका बर्थडे कल 2:00-4 बजे तक चल सकता है, तो वही देखते क्या है। और परी को ना उसके पुराने सारे कपड़े छोटे होने लगे, उसको छोटा होने लगा है, यूज कर लूँ, क्योंकि क्या होता है ना जो नए नए कपड़े हम रख देते हैं ना, जैसे कि अभी इसको देखिए ऐसे ये क्या बोलते हैं टिकले हैं ना छोटे छोटे, तो उस वजह से ऐसे वाले कपड़े हम पहनाते हैं, ऐसा लगता है कि यार वो छुपेंगे वगैरह, बट वो ना फिर छोटे हो जाते हैं और फिर ऐसे वो रख देने पड़ते या फिर किसी को दे देने पड़ते। तो उससे अच्छा मैं सोच रही हूँ कि अभी जो भी नए नए सारे उसके कपड़े पड़े सारे यूज कर लो। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, क्योंकि परी मैडम नौटंकी कर रही है नौटंकी। और हाँ मुझे कमेंट आया था परी के गले में ये क्या येल्लो और ये, तो वो ना एक्चुअली मुझे बाद मतलब उसको पहनाने के बाद में मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया ये नजर ना लगने का, सॉरी ये नजर ना लगने का वो धागा ये मनी शायद, बट मुझे ये मेरे मौसी ने भेजे थे। ये ना स्वामी समर्थ का मंदिर रहता है ना मठ, वहाँ पे मिलता है शायद, और वो मुझे पहनाने तक नहीं पता था क्या है, हमारे घर में सारे बच्चों के गले में रहते तो मुझे भी भेज दिया था, तो मैंने परी के गले में पहना दिया था, बट मेरे एक फ्रेंड ने बताया ये नजर ना लगने के लिए वो रहता है। तो ये तो अभी कैसे गर्मी थी ना इसलिए मैंने सब निकाल के रखा था, सिर्फ उसको वो दांत आने वाला वो रखा था तिल्ली से मोती, बट अभी गर्मी नहीं है फिर मैंने सब पहना दिया, शर्ट वाई भी पहना दिया और वो भी पहना दिया। तो चलिए मैं आपको मिलती थोड़ी देर के बाद, क्योंकि परी पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रखा है और ये है नूडल्स। तो आज हम बनाने वाले हैं चाउमीन, हम इसीलिए क्योंकि आधी प्रोसेस मैंने की आधी राज ने की, इसीलिए हम तो पानी उबल आने के बाद उसमें हमें डालने होते हैं नूडल्स, जिससे कि नूडल्स अच्छे से जल्दी उबल जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे नूडल्स डाल दिए और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना होता है, और नूडल्स मैंने 10 मिनट तक पकने के लिए रखे थे जिससे कि नूडल्स मतलब अच्छे से बॉइल्ड हो जाए, इसलिए तो यही नूडल्स से हम चाउमीन भी बना सकते हैं, यही नूडल्स से हम नूडल्स भी बनाते हैं जो कि हमें बाहर मिलते हैं रेस्टोरेंट में वगैरह, तो वही है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चाउमीन, तो मैं बनाने वाली थी फिर आगे राज ने हैंड ओवर कर लिया, तो हम दोनों ने मिलकर बनाई चाउमीन। तो आप आगे देखिए, तो 10 मिनट मैंने ये रखे थे बॉयल होने के लिए, और 10 मिनट के बाद फिर राज ने प्लेट में निकाले, तो ये देखिए यहाँ पे मतलब जाली में निकाले थे फिर मैंने प्लेट में डाले, तो यहाँ पे हमारे नूडल्स मतलब बॉयल होके हो गए हैं। उसके बाजू में मैंने रखे अदरक लहसुन और मिर्ची क्रश करके, और यहाँ पे मैंने एक ऑनियन लिया है, एक टोमेटो लिया है क्या बोलते लंबे लंबे कट करके, डार्क सोया सॉस, चिली सॉस और अंडे, नमक और
सोडियम इतना सामान लिया था और एक कढ़ाई और एक चम्मच। तो यहाँ पे मैंने पहले ऑयल डाला, फिर उसमें मैंने 3 अंडे फोड़ दिए। तो यहाँ से आगे राज ने हैंड ओवर कर लिया था, इसलिए फिर आगे आपको राज दिखेंगे। तो ये राज है अभी। तो अच्छे से उसको मिक्स कर लिए जिससे कि वो एक दूसरे में चिपक ना जाए। फिर उसमें हमने अदरक लहसुन और मिर्ची का जो क्रश करके रखा था वो डाल दिया। फिर उसके बाद उसमें डाला ऑनियन, और ऑनियन थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद इसमें राज ने डाली, क्या डाला, हाँ ब्लैक पेपर डाला शायद। फिर टोमेटो डाल दिया, ब्लैक पेपर जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं। तो सब अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सोडियम, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हाँ उतना डाला। फिर मिक्स कर लिया। ये है सोडियम, पहले नमक डाला था फिर ये सोडियम डाला। अब इसमें रेड चिली सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस डालकर अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ब्लैक पेपर डाला था लास्ट में, मतलब पहले नहीं डाला था इसका मतलब। फिर उसमें राज ने डाले नूडल्स। तो मैं थोड़ा अपने तरीके से बनाने वाली थी, इसलिए मुझे राज की प्रोसेस पता नहीं, क्योंकि राज जब बना रहे तो मैंने देखा नहीं। और आपको एक चम्मच और एक क्या बोलते चिमटा वगैरह लेकर कुछ इस तरह से आप मिक्स कर सकते हो, क्योंकि नूडल्स मिक्स करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो आप चिमटे की हेल्प से मिक्स कर सकते। तो ये यहाँ पे हमारे नूडल्स बन के रेडी है। थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट हमने गैस पर रखे थे धीमी फ्लेम पर, और यहाँ हमारे नूडल्स बनकर रेडी हो गए हैं। हे गाइस, तो अभी बज चुके 8:30 और हमारा खाना वगैरह शुरू हो गया है। परी जल्दी सोती है ना, तो उस अकॉर्डिंग फिर खाना वगैरह जल्दी हो जाता है हमारा, लेकिन अभी तक नहीं सोई है। अभी थोड़ा सा लेट हो जाती है, 9 बजे के आसपास सोती है, 9:30 मतलब 9 बजे में लेकर आती उसको अंदर और फिर 9:30 तक सो जाती है। तो आज हमने बनाए थे चाउमीन। एक्चुअली हुआ ये कि हमें बनाना था नूडल्स या क्या, सुबह क्या हुआ खिचड़ी बनाने के, मतलब खिचड़ी इसलिए बनाई थी क्योंकि हमने सोचा था कि दोपहर के टाइम पे वड़ा पाव बनाकर खाएंगे, लेकिन राजनीति है ना, तो उनको वड़ा पाव वगैरह कुछ नहीं, सॉरी पाव वगैरह कुछ नहीं मिले। और पेस्ट्री लानी थी, परी का बर्थडे था जैसे मैंने कहा 11 मंथ का, तो पेस्ट्री वगैरह भी नहीं मिली और नीचे से लाएंगे इस चक्कर में मैंने घर में भी नहीं बनाया। फिर शाम को मैंने राज को पूछा एक बार मैं बनाऊं क्या, राज बोलते नौको रहने से लास्ट देखा था, तो राज इसलिए बोले नौको, तो फिर मैंने सोचा जाने दो, कल अगर हम परी का वैक्सीनेशन कराने गए ना तो फिर वहीं से हम लेकर आएंगे, केक कटिंग करना है तो फिर घर पे कल भी कर सकते हैं ना ऐसा। और वैसे भी परी कहाँ खाती ना आजकल, तो इसलिए फिर वो हुआ। फिर पाव नहीं मिले इस चक्कर में, फिर शाम को क्या बनाऊ ये रहा, तो फिर मैंने राज को पूछा मैं भाजी चपाती बनाओ कुछ और बनाओ या नूडल्स बनाओ, तो फिर उन्होंने फिर बोला कुछ भी, तो कुछ भी, तो मेरे दिमाग की सटक गए। मैंने बोला चलो मैं नूडल्स बना दूँ, तो नूडल्स बनाने का सोचा। तो फिर राज बोलते कि पत्ता गोभी नहीं है और क्या शिमला नहीं है, तो मैंने बोला फिर मैं बोलने कहा कि मैं अपने तरीके से बना, तो फिर बोलते राज ने कहा कि चाउमीन बना। तो ये जो थे ना आज जो हमने बनाए ये चाउमीन थे, ये नेपाल साइड में बनते। मेरे एक व्यूअर नेपाल से, सुजाता जी सर ने याद नहीं, तो वो नेपाल से, तो उनको पता ही होगा। तो ये चाउमीन इसमें फर्क ये रहता है, इसमें कांदा टोमेटो पड़ता है और जो हम नूडल्स खाते हैं उसमें पत्ता गोभी शिमला ये सब रहता है, ऐसा थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है। तो ये ना जब मैं शेयरिंग में रहती थी ना मेरे फ्रेंड लोगों के साथ, तो उस टाइम पर हम बनाते थे, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो इसका मैं आपको एक बात बताऊँ, ये ना एक्चुअली हुआ क्या, मैं पहले राज बोले कि तुम बनाओ क्योंकि वो ये नहीं गोभी वगैरह नहीं, इसलिए तो मैंने बोला ठीक है। तो नूडल्स मैंने बॉईल करने रखे, नूडल्स बॉईल कर दिए और कढ़ाई रखी, अंडे फोड़े, सब यहाँ तक मैंने किया। उसके आगे राज बोले कि मैं बनाता हूँ, तो आगे की जो प्रोसेस थी वो राज ने की। तो ऐसे चल रहा था तुम बनाओ तुम बनाओ, आप बनाओ तुम बनाओ, आप बनाओ तुम बनाओ, इस चक्कर में फिर आधा काम मैंने किया आधा काम राज ने किया, तो हम दोनों ने मिलकर चाउमीन बनाए थे। तो आपने आपने अगर अगर आज तक बेस बनाए नहीं होंगे ना तो बनाकर खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़े से अलग टेस्ट आती है नूडल्स से बट अच्छे लगते हैं। तो कुछ नूडल्स के बनते हैं और मैंने आपको दिखाई दिया किस तरह से बनाना होता है वो, तो कुछ इस तरह से फिर हमने नूडल्स बनाए। और अभी परी ना ये देख रही, गाने देख रही, इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर लिया क्योंकि गाने का आवाज आता है। खाना वगैरह हो गया, परी को भी मैंने खाना खिला दिया, अभी जस्ट सोने का प्रोसेस बाकी, क्योंकि अभी हम शाम को परी को भी नहीं नहलाते और इतना ठंडा पानी कहते हैं, खुद भी नहाने का मन नहीं होता, परी को नहीं नहलाते शाम को,
मतलब जब से अभी बारिश का ये चालू हो गया तब से, आज वैसे थोड़ी गर्मी है लेकिन फिर भी पानी बहुत ठंडा है। मैं जस्ट अभी फेस वॉश वगैरह करके आई हूँ, बहुत ठंडा पानी है। तो अभी परी टीवी देख रही है, जब परी मतलब एकदम सोने पे आ गए ऐसे लगेगा ना, तो उस टाइम परी को अंदर लेकर आऊंगी और फिर सो जाएंगे। तो बस ये था आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और चाउमीन की रेसिपी भी पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट्स और शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय-बाय। तो गाइज अभी मैं आपको दिखा दूँ पर्दे के पीछे की कुछ चीज़ें, जो कि हमने यम्मी यम्मी नूडल्स खाए उसके आगे देखे गैस पर कितना कचरा जमा था, पूरा किचन फैला पड़ा था, तो ये सब हमें बाद में साफ़ करना पड़ता है, जो कि राज ने नहीं किया। राज ने ढक्कन तक नहीं लगा के रखे थे, तो ढक्कन भी मैं लगा रही थी। तो ये बिहाइंड द स्क्रीन रहता है जो कि हम आपको हर बार नहीं दिखाते।